जारी कर दी है और उसमें सबसे चौंकाने वाला जो नाम है वो राजनांद गांव से गिरीश देवांगन है। गिरीश देवांगन जी को उम्मीदवार बनाने के बाद राजनीतिक समीकरण क्या है, किस तरीके से वो चुनाव में उतरेंगे, गिरीश जी हमारे साथ है। गिरीश जी, चौंकाने वाला फैसला, आवेदन भी आपने नहीं किया था बताया जा रहा, उसके बाद भी आपको उम्मीदवार बना दिया गया, इससे खुश हैं कि नहीं आप? देखिए मोहन जी, आप मुझे वर्षों से जानते हैं, पार्टी का छोटा छोटा काम हो चाहे बड़ा बड़ा काम हो, जो जिम्मेदारी जो भूमिका हमारा हाईकमान निर्धारित करता है, हमारे नेता निर्धारित करते हैं, उसमें हम लोग सफल होने के लिए जी जान लगा देते हैं। आज यदि जवाबदारी दी गई है कि राजनांदगांव सीट से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ना है विधानसभा का, तो उस चुनाव को भी हम लोग बहुत ही शिद्दत से और बहुत ही गंभीरता से लड़ेंगे और जीतेंगे। हम देख रहे हैं कि नया क्षेत्र है, वहां पर अलग समीकरण है, आप जाके वहां लड़ना, वो भी गढ़ में जाकर लड़ना रमन सिंह के, कितना चुनौती? देखिए रमन सिंह जी का गढ़ तो कवर्धा था, कवर्धा में वो हार, फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद वो डोंगरगांव लड़ लिए, फिर अभी राजनांदगांव लड़ लिए, कोई गड़बड़ है नहीं, वो तो परिवर्तन अपना करते रहते हैं। और ये जहां तक राजनांदगांव की बात है, वहां के समीकरण सारे समीकरण हमें पता है, मैं कार्यकर्ता के तौर पे लगातार राजनांदगांव के और पूरे प्रदेश के साथियों के साथ संपर्क में हूं, तो जहां मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है तो कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने एक सिपाही को मौका दिया है, तो उस आधार पे हमारी जीत सुनिश्चित है। 15 साल के मुख्यमंत्री फिर विधायक भी वो रहे हैं, एक क्या फैक्टर है जो आपको जिताएगा, उनको हराएगा? देखिए मुख्यमंत्री जी का जो चेहरा है वो किसान विरोधी है, किसान के शोषक के रूप में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार रमन सिंह जी के राज में किसान आत्महत्या की ओर गया है, किसानों को बोनस नहीं दिया उन्होंने, किसानों का 15 क्विंटल खरीदी को 10 क्विंटल करने का षड्यंत्र उन्होंने रचा था, किसान विरोधी चेहरा तो उनका है ही, साथ ही विकास के मामले में भी राजनांदगांव विधानसभा बहुत पिछड़ा हुआ है, जिस प्रकार के वहां विकास आना चाहिए, इतने वर्षों तक इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद उनका कोई विजन राजनांदगांव विधानसभा के बारे में दिखता नहीं है, और हम सब लड़कर जीतेंगे और माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी और सरकार बनते ही राजनांदगांव के विकास की नई गाथा हम सब मिलेगी। कहा जा रहा, आप कहीं और से तैयारी कर रहे थे, कहीं और टिकट मिल गई? नहीं, मैंने तो ना कहीं तैयारी की है, मुझे जो निर्देश मिलता है, पूरे प्रदेश में घूमने का निर्देश है, पूरे प्रदेश में संगठन के साथियों के साथ मजबूती के लिए लगातार प्रयास रहे हैं, और ये तो हाईकमान का निर्णय है, नेताओं का आशीर्वाद है कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को मौका दिया है और इस मौके में हम सफल होंगे। ठीक है, तो दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा राजनांदगांव में, रमन सिंह के सामने रहेंगे गिरीश देवांगन जो कि मुख्यमंत्री के खास माने जाते हैं, और उनके मैदान में उतरने से ये चुनाव काफी टसल वाला हो गया है। कैमरामैन पंकज के साथ मोहन तिवारी, टीवी 24 रायपुर।